नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। झारखंड के लातेहार जिले के मंडल मनिका में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध मुर्गी अंडा बेचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हरिकृष्ण ने मीडिया को बताया कि हम लोग आज राज्य की हेमंत सरकार के विरुद्ध मुर्गी अंडा बेच रहे हैं। राज्य सरकार नौकरी देने की जगह मुर्गी अंडा बेचने के लिए बोल रही है। राज्य के युवा बीए एमए बीएड करके नौकरी की तलाश में हैं। भाजयुमो जिला अध्यक्ष छोटू राजा बोले कि हेमंत सरकार ने चुनाव के समय घोषणा पत्र में बोला था, हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तक ना किसी को नौकरी मिली है और ना ही किसी को बेरोजगारी भत्ता। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसी का विरोध किया जा रहा है। मौके पर उपस्थित मनिका पूर्व जिला परिषद सदस्य रघुपाल सिंह, पश्चिमी जिला परिषद सदस्य महेश सिंह, एसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन पासवान, आशुतोष सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रसाद प्रतिमा देवी, मंडल अध्यक्ष अंकित राज, चंदन प्रसाद, परमेश्वर सिंह समेत भाजपा के काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में, युवा मोर्चा के अध्यक्ष छोटू राजा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं, उनके कानों तक के, सरकार के कानों तक ये जाए कि हमने नौजवान रोजगार साथियों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ में हम छलने का काम कर रहे हैं या फिर उसको रोजगार दे रहे हैं, आज इसको दिखाने के लिए मंडल मनिका में कार्यक्रम किया जा रहा है। अब हेमंत सोरेन रोजगार केंद्र के नाम से बोर्ड लगा के मुर्गा अंडा बेच रहे हैं, क्या है आप लोग का? देखिए, हेमंत सोरेन जी जब सत्ता में नहीं आए थे, जब चुनाव का बिगुल फूका था, तो उनका घोषणा पत्र में साफ साफ था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब यहाँ हर एक साल 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन अभी तक 5,000 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। दूसरी बात, रोजगार तो नहीं मिला, उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता दूंगा, वो भी नहीं मिला। और जब इस साल को उन्होंने बोला था कि नौकरी रोजगार वर्ष के रूप में आप लोग देखेंगे, लेकिन वो भी एक कोरा कागज साबित हो गया। जब युवाओं ने रोजगार मांगा तो उन्होंने कहा कि आप लोग रोजगार के फेरा में नहीं रहे और मुर्गी और अंडा बेचे, इसलिए आज हम लोग हेमंत सोरेन रोजगार केंद्र खोले हैं और मुर्गी और अंडा बेच रहे हैं ताकि ये मैसेज जाए युवाओं के बीच में कि हेमंत सोरेन केवल गोल मोल बात करते हैं, करना धरना उनको कुछ नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज।